गाइस, दिस इज मी नूर आलम एंड आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं नथिंग फोन 2 के कैमरा को आईफोन 13 से। तो लेट्स बिगिन। शूट हो रही है नथिंग फोन 2 के रियर कैमरे से 0.6x पर, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि मतलब नॉर्मल चीजें आ रही होंगी। मैं ठीक ठाक हूँ और सामने में जो है सनलाइट है। सो गाइस, सेम सिचुएशन है, सामने में सनलाइट आ रही है और अभी शाम के बज रहे हैं 4, और ये वीडियो शूट हो रही है आईफोन 13 के रियर कैमरे से 4K 60fps पर 0.5x पर। तो अभी आप देख सकते हो कि काफी ज्यादा मतलब चीजें बैकग्राउंड में मतलब दिख रही होंगी, यानी ये जो है वाइड एंगल लेंस यूज हो रहा है बेसिकली, यू कैन से। तो वीडियो एंड ऑडियो की क्वालिटी आप सुन सकते हो। और अगर मैं इसे अभी, और ये जो वीडियो शूट हो रही है ये भी नथिंग फोन 2 के रियर कैमरा से ही हो रही है, लेकिन ये 1x पर है। और अभी आप देखोगे तो भाई सामने में जो बैकग्राउंड जो है ना वो हल्का हल्का ब्लर हो रहा है। 1x पर मैंने स्विच कर दिया है एंड अब आप देखोगे तो भाई मैं थोड़ा सा फोकस में हूँ एंड चीजें हल्की हल्की बैकग्राउंड होंगी, लाइक नथिंग फोन 2 या फिर कह लो नथिंग फोन 2 भी सेम ऐसे ही करता है आईफोन 13 की तरह। बैकग्राउंड में जो चीजें हैं अभी साइड में देखोगे आप, थोड़ी थोड़ी चीजें ब्लर हो रही होंगी, मैं थोड़ा सा ज्यादा फोकस में होऊंगा। सो गाइस, वैसे एक कमाल का फीचर है नथिंग फोन 2 में जो कि एप्पल जो है अपने प्रीमियम फोन्स में देता है, जैसे कि 14 में हो गया, 15 सीरीज में एक मोड मिलता है। कौन सा मोड है वो? वो है भाई एक्शन मोड, जो कि आईफोन 13 में नहीं है लेकिन इसमें है। तो अभी मैं इससे वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ एंड दिखाता हूँ आप सभी को कि कैसे शूट होती है, ठीक है। तो वैसे आप देखोगे तो 1x एंड 2x पर जो है स्विच कर सकते हो एक्शन मोड को, तो हम यहाँ पर 1x कर देते हैं। देख सकते हो भाई ये वीडियो की क्वालिटी आ रही है नथिंग फोन 2 के रियर कैमरे से एक्शन मोड को ऑन करने के बाद। सो गाइस, अभी आप ये वीडियो देख सकते हो कि मैं आईफोन 13 के रियर कैमरे से शूट कर रहा हूँ और ये वीडियो सिनेमेटिक मोड पे शूट हो रही है। एंड देखोगे तो भाई मेरा भाई जो है पूरा फोकस पे है एंड इसके चारों तरफ जो चीजें हैं वो सभी ब्लर हो रखी हैं, तो देखने में मतलब काफी ज्यादा मतलब अच्छा लगता है यार। आप देख सकते हो मतलब तगड़ी वीडियोज आ रही है यहाँ पर, सिनेमेटिक मोड भी देखने को मिल जाता है, तो भाई मतलब काफी मतलब तगड़ी चीज हो गई भाई। बैकग्राउंड देख सकते हो ब्लर आ रहा है, तो ये भाई जो वीडियोज आएंगी, जो चीजें आएंगी, ब्लॉग आएंगे, वो मतलब काफी तगड़े हो जाएंगे देखने में, ऐसा आप यहाँ पर देख ही सकते हो। नथिंग फोन 2 में यार ये चीजें नहीं मिलती भाई, तो थोड़ा सा अफसोस हो रहा है मुझे, मैंने ले लिया भाई नथिंग फोन 2। दोस्तों अगर बात करें दोनों ही फोन के स्लो मोशन को रिकॉर्ड करने की कैपेसिटी को, तो दोस्तों दोनों ही फोन से आप 1080p 240 फ्रेम पर वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। आपको नथिंग फोन 2 में 4K का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और भाई ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है अभी आईफोन 13 के फ्रंट कैमरा से, सेल्फी कैमरा से, यहाँ पर आप 4K 60fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि शूट हो रही है नथिंग फोन 2 के रियर कैमरे से। फ्रंट में यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है एंड यहाँ पर आप वीडियो की क्वालिटी देख सकते हो कि मैं इस तरफ सन है एंड यहाँ पर जो है मैं डायरेक्ट सनलाइट में आ चुका हूँ, तो थोड़ी सी मतलब चीजें जो है वो कलर वलर थोड़ा सा चेंज हो जाओ होता हुआ नजर आ रहा है मेरे को। एंड ये हम आ गए बैक वापस, तो इस तरह की जो वीडियो रिकॉर्ड होती है नथिंग फोन 2 के सेल्फी कैमरे से। नथिंग फोन 2 में आपको 1080p 60fps का ही ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर भाई आपको मिल रहा है ऑप्शन 4K का, तो काफी सही है। सामने में सन जो है वो है एंड आप देख सकते हो कि वीडियो की क्वालिटी कैसी आ रही है दोनों ही फोनों से, मतलब आईफोन जो है वो मतलब काफी मतलब तगड़ी यार वीडियोस को दे रहा है निकाल के। अभी आप देख सकते हो कि आईफोन 13 में जो सन है वो एकदम मतलब नॉर्मल जैसे है वैसे ही दिख रहा है, लेकिन दूसरे साइड नथिंग फोन 2 है तो थोड़ा सा जो है ब्राइटनेस जो है सैचुरेशन टाइप की चीजें दिख रही है, HDR टाइप का कुछ ये डार्क सी चीजें नजर आ रही है, लेकिन आईफोन 13 में भाई पेड़ की जो ब्रांचेस हैं वो सब एकदम क्लियरली विजिबल हो रहा है, पत्ते नजर आ रहे हैं, लेकिन वही नथिंग फोन 2 में भाई थोड़ा मतलब डार्क सा लग रहा है। सो गाइस, यहाँ पर देखोगे आप नथिंग फोन 2 और आईफोन 13 में, तो यार मेरे को तो आईफोन 13 ही का कैमरा एकदम मतलब तगड़ा निकल के आते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि यार यहाँ पर आपको मिल जाता है 4K 60fps सेल्फी कैमरा में भी, जबकि 12 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का मिल रहा है, तब भी भाई आईफोन में ज़्यादा फीचर्स मिल जा रहे हैं वीडियो को रिकॉर्ड करने के, जैसे कि पोर्ट्रेट सिनेमैटिक मोड हो गया आईफोन 13 में, यहाँ पर एक्शन मोड आप कितना ही भग के वीडियो बनाओगे, तो ये चीज़ें हैं भाई, मतलब ये तगड़ी सिनेमैटिक वीडियोस ले रहा है भाई आईफोन 13 एंड 4K 60fps मिल रहा है, तो ब्लॉग भी अच्छा बन जाएगा, थोड़ा वाइड एंगल भी मिल जा रहा है, तो आईफोन 13 का जो वीडियो है मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है एज़ कम्पेरिजन टू नथिंग फोन 2, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा मतलब आईफोन 13 का कैमरा वीडियो के मामले में।